हेलो दोस्तों, राजस्थान विद्युत विभाग लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी जारी कर दिया गया है। 2021 की भर्ती परीक्षा थी, जिसके लिए दोस्तों परीक्षा का आयोजन 4 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में चले थे, जिसके लिए दोस्तों राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड के लिए 1075 पद है और राजस्थान विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड के लिए 1295 पदों के लिए हुई थी। RVPNL और RVUNL रिक्वायरमेंट 2021 का रिजल्ट अभी जारी कर दिया गया है। दोस्तों इसका रिजल्ट कैसे देखें तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट की। दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसका ऑफिशियल रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके लिए दोस्तों कट ऑफ क्या गई है तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ। ये राजस्थान राज्य विद्युत परिसरण निगम लिमिटेड का रिजल्ट है, जो कि आप देख सकते हैं 2021 की भर्ती परीक्षा, और इसकी कट ऑफ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी ऑफिशियल कट ऑफ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी कट ऑफ UR जनरल की है, कट ऑफ वो यहाँ पर दी गई है। कट ऑफ 129 है और 121 है, और विंडो विधवा की है 60 है और डिवोर्स की 107 है। और BC कैटेगरी की बात करें तो BC कैटेगरी की कट ऑफ 125 है मेल की, फीमेल की 113 है और 40 विधवा की है और डिवोर्स की 87 है। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं, कट ऑफ भी आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और MBC कैटेगरी की बात करें कट ऑफ की तो 115 गई है और फीमेल की 96 है और विधवा की 51 है। SC कैटेगरी की बात करें कट ऑफ की तो 80 की कैटेगरी की 113 गई है कट ऑफ, और फीमेल की 103 है और विधवा की 40 है और डिवोर्स की 84 है। ST की बात करें कट ऑफ की तो ST की कट ऑफ 110 गई है और फीमेल की 100 है, विधवा की 41 गई है। इस प्रकार दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। EWS की कट ऑफ की बात करें तो EWS की 125 है और फीमेल की 113 है, विधवा की 43 है, और सारी कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों भारत की बच्चियों के लिए फर्स्ट न्यूज़ एग्जाम को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट, परीक्षा तारीख और न्यू फॉरम आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ।